आगे निकल सीधा खड़े आ रहे हैं अबे ना तभी ये खड़े रहियो मुँह आगे जाके ताकि आता होगा इंटरव्यू लूँगा सभी परमात्मा के पे ध्यान से सुने कृपया करके नीम के पेड़ के पास दिखा दाती जी मिलने सर चाहे जहाँ भी आवाज सुन रही हूँ कृपया करके अपनी बस में पहुँच जाए आपकी बस रवाना होने जा रही है। सर साहब जी, जी सर साहब जी, जी कहाँ से आए भगत जी? जी हम झालावाड़ से। झालावाड़ से तो क्या लेने आए हो आप यहाँ पर? जी हम क्या पहली बार आए हैं ये यहाँ पे और हम क्या यहाँ का देखने के माहौल देखने के लिए आए कि कैसे का माहौल है और नाम दीक्षा भी लेंगे इसी बार। अच्छा तो आप नाम दीक्षा भी लेने आए हो? जी जी। तो मतलब आपने परमात्मा का ज्ञान कैसे समझा? मतलब आप जी हमने क्या पहले ज्ञान गंगा बुक खोली हमने और उनकी सत्संग देखी और जो उन्होंने शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताया उनको हमने मिलाया सब कुछ देखा उसके बाद में ज्ञान हुआ फिर हम देखा की तरह जैसे कि आप अभी आए हो जी तो आपको जब सोजत रोड से यहाँ आने का कुछ पैसा वैसा लिया गया है? कुछ भी नहीं लिया गया है। अच्छा रेलवे स्टेशन से बस में बिल्कुल फ्री में निशुल्क लेकर यहाँ पे आया गया है। अच्छा अच्छा जी जी भगत जी ठीक है जी धन्यवाद जी भगत। हाँ सर साहब जी आप कहाँ से आए भगत जी? रामगंज मंडी से आए हो। अच्छा अच्छा भगत जी तो आप पहली बार आए हो या पहले कभी आए हो? पहले भी आ चुका हूँ भगत जी। हाँ जी ठीक है भगत जी नहीं सच्चा है हाँ जी सच्चा है भगत जी। जी भगत जी आप यहाँ कब से आए हो सेवा में? हम यहाँ 31 तारीख से आए हैं। अच्छा अच्छा जी तो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से जिले से आए हो आप? कोटा जिले से आए हैं। अच्छा तो भगत जी आप मतलब 31 तारीख से आए तो ये यहाँ क्या क्या सेवा है? मतलब यहाँ पे सतगुरु जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारी सेवा चल रही है। भंडारे की सेवा, रमेणी की सेवा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त शादी, नशे के खिलाफ सारी सेवाएं चल रही है। अच्छा बहुत जोरों शोरों से यहाँ सेवा चल रही है। अच्छा जी ठीक है जी भगत जी धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए सच्चा है। चप्पल दे रहा हूँ।